जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रचा इतिहास। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें प्रधान न्यायाधीश DVI चंद्रचूड़ के प्रयासों ने न्याय को रफ्तार दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में 50,000 से ज़्यादा मुकदमे निपटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जनवरी 2023 को लेकर 25 दिसंबर 2023 तक निपटाए गए कुल मामलों को देखा जाए तो कोर्ट ने इस साल कुल 52,191 केस निपटाए। मुकदमे निपटाने की ये दर बहुत अच्छी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ष कुल 49,000 कुछ मुकदमे पंजीकृत हुए, जबकि निपटाए गए 52,191 केस, जो कि पंजीकृत संख्या से ज़्यादा हैं। हालांकि दाखिल मुकदमों की संख्या में गैर पंजीकृत हुए मामले शामिल नहीं हैं, जो दाखिल तो हुए लेकिन अभी तक केस के तौर पर उनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें फिलहाल सिर्फ डायरी नंबर आवंटित हुआ है। अगर ऐसे डायरी नंबर वाले मुकदमों को भी मिला लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ष कुल 52,600 केस दाखिल हुए और 52,191 केस निपटाए गए, जो कि नेक टू नेक है। सुप्रीम कोर्ट से जारी आंकड़ों को देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वर्ष निपटाए गए केसों की संख्या पिछले 6 वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक है। ऐसा प्रधान न्यायाधीश द्वारा मुकदमों के दाखिल होने से लेकर सुनवाई पर लगने के पूरे तंत्र को स्ट्रीमलाइन करने के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने पूरे तंत्र को स्ट्रीमलाइन किया है। इसमें एक केस के दाखिल होने के बाद उसके सुनवाई पर लगने में जो 10 दिन का समय लगता था वो घटकर अब 7 से 5 दिन रह गया है। यहाँ तक कि जमानत, अग्रिम जमानत, बंदी, प्रत्यक्षीकरण याचिका, डिमोलिशन और बेदखली के मामले तो एक दिन में या फिर तत्काल सुनवाई पर लगा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया गया था कि सोमवार और शुक्रवार के दिन मिसलेनियस सुनवाई के दिन होंगे। मंगलवार को नोटिस जारी हो चुके हैं। मिलेनियस केसों की सुनवाई होती है, जबकि बुधवार और गुरुवार के दिन नियमित सुनवाई के लिए तय हैं। मालूम हो कि मिसलेनियस केस वो होते हैं जो नए दाखिल हुए होते हैं और सुनवाई के प्रारंभिक स्तर पर होते हैं, जबकि नियमित मामले उन्हें कहा जाता है जिनमें वादी प्रतिवादी दोनों के उत्तर प्रत्युत्तर दाखिल हो चुके होते हैं और केस की गुणदोष के आधार पर सुनवाई की जाती है। केसों की सुनवाई में तेजी के लिए विशिष्ट पीठों का भी गठन किया गया, जैसे कि मृत्युदंड के मामलों पर सुनवाई के लिए पीठें गठित हुई। इसी तरह मोटर दुर्घटना दावा मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले शामिल हैं। इसके अलावा इस वर्ष कोर्ट का जो संवैधानिक पीठों से लंबित मामलों के निपटारों पर भी रहा और 5 और 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठें बैठी और फैसले सुनाए। उन्हीं में से एक फैसला जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म करने को सही ठहराने वाला भी था। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा का मामला, समलैंगिकों के अधिकार का मामला भी शामिल है। प्रयासों का नतीजा ये है कि 5 जजों की संविधान पीठ में लंबित कुल 36 मामलों की संख्या घटकर अब 19 रह गई है। इसमें भी 4 मामलों में सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट में 6 मामले 7 न्यायाधीशों की पीठ में और 5 मामले 9 न्यायाधीशों की पीठ में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों का कहना है कि इन सभी मामलों पर सुनवाई की तारीखें तय हो चुकी हैं।